गुरुवार को जय किसान फसल ऋण माफी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री यादव का साफा पहनाकर सम्मान भी किया गया। उन्होंने सैकड़ों किसानों को द्वितीय चरण में करोड़ों रुपए के ऋण माफी के प्रमाण पत्रों का वितरण किया है। इस अवसर पर मंत्री यादव ने मध्य प्रदेश सरकार की चल रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी किसानों का कर्जा माफ होगा, तो पहले चरण के बाद में यह दूसरा चरण है जब कर्जे का माफी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। सेगांव तहसील में 6,653 किसानों का 36 करोड़ का कर्जा माफ किया गया। इस योजना के दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं इस दौरान विधायक केदार डावर ने भी संबोधन के दौरान अनेक योजनाओं के बारे में सभी को जानकारी दी। इस अवसर पर कलेक्टर गोपाल डाट, पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे, SDM अभिषेक गहलोत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमला डावर, दशरथ बोंदर से मंडलोई, शांतिलाल पाटीदार, दशरथ चौहान, राजेंद्र मंडलोई, अजय पालीवाल, धीरज मिश्रा, भगवान गुप्ता और अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। जो किसानों की आत्महत्या के मामले में देश में नंबर वन, एक ऐसा मध्य प्रदेश हमको विरासत में मिला जो महिलाओं पर अत्याचार के मामले में देश में नंबर वन, एक ऐसा मध्य प्रदेश हमको विरासत में मिला जो बेरोजगारी के मामले में देश में नंबर वन, खाली खजाना, विफल तंत्र, ऐसी परिस्थितियों में आदरणीय साथियों ये प्रदेश हमको मिला। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के अनुभवी और कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन सारी चुनौतियों को पार किया और मध्य प्रदेश की जनता की उम्मीदों और भावनाओं के और आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया। आप सब जानते हैं साथियों कि अभी सरकार को बने हुए मात्र एक साल हुआ और इस एक साल में भी काम करने के लिहाज से हमारी सरकार को मात्र 9.5 महीने मिले। ढाई महीने लोकसभा के चुनाव और उसकी आचार संहिता में चले गए, लेकिन जो भी समय हमको मिला, जो भी वक्त हमको मिला, हमारी सरकार को मिला, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला, हमने वो सारे योजनाएं, वो सारे कार्यक्रम लागू करने का काम किया जिसकी कल्पना भी कभी भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने नहीं की होगी। 365 दिनों में 365 वचनों को पूरा करने का काम आदरणीय साथियों अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में किया है। जागृत करने का काम किया जाएगा। उसी तारतम्य में ये दूसरा आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। पहला आयोजन हमने छिंदवाड़ा में कॉर्न फेस्टिवल के रूप में हमने करा था। दूसरा जो आयोजन है हम लोग कसरावद में जो है चिली फेस्टिवल के रूप में हम लोग करने जा रहे हैं और उस फेस्टिवल के माध्यम से सभी जो हितधारक हैं उन सभी हितधारकों को जो है हमारे इस निमाड़ की जो मिर्ची है, उस मिर्ची जो कि पूरे प्रदेश प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश में जो है अपनी एक पहचान बनाई हुई है, उसको और उसके हम लोग कैसे ब्रांडिंग कर सके उस दिशा में उस सोच को लेकर के जो है इस चिली फेस्टिवल का जो है आयोजन कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी का अब आगमन हो सकता है क्या? उसमें अनुरोध करा है मुख्यमंत्री जी से, अगर उनके पास समय होगा तो निश्चित रूप से। सर मंत्री बन 15 साल जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ धर्म के नाम पर जो है राजनीति करने का काम किया, लेकिन जो हमारे धार्मिक स्थल थे उन धार्मिक स्थलों के विकास के लिए किसी प्रकार की ना तो कोई योजना बनाई और ना ही कोई कदम जो है उस दिशा में उठाया है। अभी पूरे प्रदेश में हमने ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं जो कि एक धार्मिक पर्यटन के रूप में जिनको हम लोग विकसित किए कर सकते हैं, ऐसे स्थानों का हम लोग चिन्हित करने का हमारा जो है प्रक्रिया चल रही है और शीघ्र एक पूरी कार्य योजना बना करके ऐसे सभी स्थानों को जो है धार्मिक स्थानों को विकसित करने का काम।